सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 24 डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सिविल्स ओनली की तरफ से डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए, जैसे उत्तराखंड हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इसके लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। तो आप सभी उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, दीपा मावलंकर, अंजना बिश्नोई या जे साई दीपक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जे साई दीपक। जे साई दीपक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक श्रृंखला जिसका शीर्षक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन है, यह ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, दैट्स वाई ये न्यूज में है। जे साई दीपक जो कि पेशे से वकील हैं और आप लोगों ने इन्हें राज्यसभा टीवी और अन्य चैनलों पर विभिन्न डिस्कशन पैनल के सदस्य के रूप में भी देखा होगा। इनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक भारत पर यूरोपियंस कॉलोनियल के रूल के प्रभावों के बारे में बात करता है, खासकर यूरोपियंस के शासन का हमारे धर्म और संस्कृति पर क्या असर पड़ा, साथ ही समकालीन विश्व में हो रहे विकासों के बारे में भी इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर में तीव्रता से गिरावट हुई है और अब यह दर कितनी है। ऑप्शंस हैं 5.28%, 6.57%, 8.57% या 8.76%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.57%। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57% हो गई है। यह मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है अभी तक। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्चतर स्तर यानी 7.91% हो गई थी, जबकि नवंबर में यह 6.97% थी। CMIE मुंबई स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है जो कि एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ व्यावसायिक सूचना कंपनी के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक से अलग रहने का फैसला किया था। ऑप्शंस हैं सिंगापुर, कतर, भारत या नॉर्थ कोरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी 2022 को बीजिंग चाइना में शुरू होकर 20 फरवरी 2022 तक चला और उद्घाटन समारोह बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसे बर्ड्स नेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक स्तर के बहिष्कार की घोषणा की थी। दिसंबर 2021 में USA के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान और नीदरलैंड जैसे देशों ने विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया था। बाद में भारत ने भी अपने अधिकारियों को ओलंपिक में भाग लेने से मना कर दिया था। डीडी नेशनल चैनल ने भी इस ओलंपिक के ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को टेलीकास्ट करने से मना कर दिया था। USA और अन्य देशों द्वारा चाइना में हो रहे ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के कारण इस ओलंपिक का बहिष्कार किया गया था। वहीं भारत के इस कदम का कारण था कि ओलंपिक के दौरान चीन के द्वारा उस आर्मी मैन को टॉर्च बेयरर बनाना था जो भारत के साथ साथ गलवान क्राइसिस में इन्वॉल्व था, जिसमें पिछले वर्ष आप लोगों को याद होगा कि कुछ भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे। तो ये रहा था रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नासिक के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, SBI, नाबार्ड या फिर SIDBI। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने। रिजर्व बैंक ने नासिक के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस अभी हाल ही में रद्द कर दिया। बैंक को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके लिए जल्द ही परिसमापक की नियुक्ति की जाएगी। इसका कारण बताते हुए रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं है। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता केवल 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि हासिल करने का पात्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने एड्स के कारण बनने वाले वायरस की खोज की थी, इनका नाम बताइए। ऑप्शंस हैं पीटर सैंड्रे, फ्रेजर मार्ले, ल्यूक मॉन्टेग्रियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूक मॉन्टेग्रियर। फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेग्रियर, जिन्होंने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए
2008 में नोबेल पुरस्कार साझा किया था। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और 2021 के जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में हम लोग पहले के डिस्कशन में कवर कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और साथ में PDF भी जरूर देखिए, जो आप हमारे टेलीग्राम या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार की घोषणा सितंबर अक्टूबर के आसपास की जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए आप सभी को 2021 का ही लिस्ट याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं राजीव कुमार भाटिया, रितिका जैन, सोमाली रॉस या अरुंधति रॉय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार भाटिया। केन्या में नियुक्त भारतीय हाई कमिश्नर राजीव कुमार भाटिया ने इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजंस नामक एक नई पुस्तक लिखी है, जो कि वैश्विक पटल पर अफ्रीका के उद्भव और भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों में हुए विकास पर प्रकाश डालती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। शिवाजी की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं 10 फरवरी, 16 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 19 फरवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 फरवरी। शिवाजी जयंती भारतीय राज्य महाराष्ट्र का विशेष त्यौहार है और यह त्यौहार 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति और संस्थापक के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी भोसले प्रथम, जिन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष भी किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया था। उनकी एक खास विशेषता थी गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध, उसमें वे काफी माहिर थे। इनका जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में गोबरधन संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शंस हैं कोच्चि, इंदौर, लखनऊ या फिर पटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी को इंदौर में वर्चुअल रूप से गोबरधन संयंत्र का उद्घाटन किया और हाल ही में इन्होंने कचरा मुक्त शहर बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का भी शुभारंभ किया था। इस मिशन को वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, ताकि संसाधनों से होने वाली रिकवरी को अधिकतम किया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा रूसा शब्द क्या संदर्भित करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रेयरली यूज्ड सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, रूरल एंड अर्बन सेक्टोरल ऑगमेंटेशन या उपरिप्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा योजना को 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, तब तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। ये रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना क्या होता है कि जिनमें योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा सरकार राज्य सरकार द्वारा मिलकर की जाती है। ऐतिहासिक तौर पर इस प्रकार की योजनाओं को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जाता है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और दूसरी होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं वह होती हैं जिनका वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इनका कार्यान्वयन भी केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो ये रूसा योजना जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के अंतर्गत समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्त पोषण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं 17 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 19 फरवरी को। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, इनकी पुण्यतिथि 19 फरवरी को मनाई जाती है। इन्होंने भारत में मार्ले मिंटो सुधारों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1884 में
मुंबई के एल्फिंस्टन महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने भारतीय सुशासन और समाज सुधारक का अभियान भी चलाया था। इसके साथ साथ वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने भारतीय समाज और भारतीयों से संबंधित मुद्दों पर बापू का मार्गदर्शन भी किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 फरवरी, 22 फरवरी, 25 फरवरी या फिर 28 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 22 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ये है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया था और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2009 में प्रथम आयोजन किया गया था और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय अनुच्छेद 14 से 32 में है, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण और अनुच्छेद 39 घा का समान कार्य हेतु समान वेतन, ये इससे रिलेटेड अन्य प्रमुख अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया नीति की अधिसूचना जारी किया गया है? ऑप्शन है ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। भी हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन या फिर हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया नीति की अधिसूचना जारी की है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हाइड्रोजन और अमोनिया की भविष्य के ईंधन के रूप में परिकल्पना की गई है इसमें और अक्षय ऊर्जा के उपयोग के संदर्भ में हरित हाइड्रोजन एवं हरित अमोनिया ईंधन पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्र की स्थायी ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन है मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा या फिर पवन सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोज तिवारी। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अभी हाल ही में खादी को लोकप्रिय किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। ये क्वेश्चन बीपीएससी की स्पेशली बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पेट्रोपोलिस शहर का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑप्शन है ब्राजील, सूरीनाम, इक्वाडोर या फिर मैक्सिको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील से। ब्राजील के रियो डी जेनेरो के पेट्रोपोलिस शहर में अचानक से आई बाढ़ और भूस्खलन में कम 171 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 120 से अधिक लोग लापता हो गए हैं, इसलिए यह न्यूज में है। तो यह हमारे इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।